हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोगों ने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो कि बोलते हैं कि फेशियल ग्रो हमें रेजर से नहीं क्लीन करना चाहिए या हमें वो बहुत ज़्यादा रीग्रो होने लगते हैं। तो यही चेक करने के लिए मैंने अपना फेशियल हेयर 90 डेज तक क्लीन नहीं किया, और मैं इतना एक्सपीरियंस करके बता सकती हूँ कि ये सारे मिथ्स है। फेशियल हेयर क्लीन करने से आपका स्किन स्मूथ हो जाता है और मेकअप बहुत ही अच्छे से हो जाता है, क्योंकि आपका स्किन बहुत ही स्मूथ एंड शाइनी रहता है। फेशियल हेयर रिमूव करने से आपको एक्ने और पोर्स की भी प्रॉब्लम नहीं होती है, आपका स्किन बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहता है। बट आपको इस चीज़ का ध्यान देना है, जब आप अपने फेशियल हेयर क्लीन कर रहे हो तो आपको रेजर पे ज़्यादा प्रेशर ना देना है ताकि स्किन पे कोई इरिटेशन ना हो, और आपको एलोवेरा जेल याद से अप्लाई कर लेना है ताकि आपका स्किन रेड ना हो जाए या कुछ इफेक्ट ना हो रेजर से। और फेशियल हेयर रिमूव करने के बाद भी आपको एलोवेरा जेल या मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है स्किन को काम करने के लिए। तो अपने फेशियल हेयर को आप आराम से रिमूव कीजिए और अपने स्किन को शाइनी बनाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।